चलिए तो सबसे पहले हम लोग MCQs देखते हैं, फिर फिलर्स देखेंगे, ट्रू फॉल्स और सब्जेक्टिव क्वेश्चन एंड आंसर. हियर द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इन MCQ इज माय डैड सेड टू मी ग्रैंडफादर, ऑप्शन सी. वी मेट अ डैश ऑन फूट ए स्ट्रेंजर, ऑप्शन सी. ऑलवेज ऑफर एवरी वन अ डैश राइड, ऑप्शन बी. व्हेन वी केम टू डैश हिल, ऑप्शन बी हॉस्टल. एंड फिल इन द ब्लैंक्स वी विल सी नेक्स्ट. फर्स्ट स्पीक टू डैश यू मीट एवरी वन. व्हेन वी डैश अ बॉय वी न्यू ओवर टू कोवर टू कोवर. हाउ वुड द डैश हाउ वुड ही डैश वेयर टू गो नो हाउ वुड ही नो. बी सी ओ डैट यू बोथ ऑलवेज डू ऑलवेज. एज अवर गुड डैश रिक्वायर्ड गुड मैनर्स रिक्वायर्ड. नाउ मैच कॉलम ए विथ कॉलम बी. स्ट्रेंजर ऑन फूट, स्ट्रेंजर पैदल चल रहा था. पेट पेट क्या था? क्रो. देखिए यहाँ से ऐसे ला करके ऊपर कर दिए, आप डायरेक्ट यहाँ से ऐसे करेंगे आप, ठीक है. पेट क्रो. क्रो काउ. मेयर टायर्ड, घोड़ा थक गया था, ठीक है. अब आई यूज द फॉलोइंग वर्ड्स इन सेंटेंसेज ऑफ योर ओन सो एज टू किल योर देयर मीनिंग्स. देखिए कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, इन्हें क्या करना है कि आप मीनिंग समझ करके और अपने ही शब्दों में वाक्य को बनाना है, ठीक है. जैसे स्ट्रेंजर, स्ट्रेंजर का मतलब होता है अपरिचित, जिसको हम नहीं जानते हैं, जो हमारे लिए अननोन है, अनफेमिलियर है, ठीक है, वही स्ट्रेंजर होता है. चलिए एक सेंटेंस बना करके मीनिंग को क्लियर करते हैं. When I was in need, a stranger helped me. जब मुझे मदद की जरूरत थी, एक अजनबी ने हमारी मदद की. Bowed, bowed का मतलब होता है सिर झुकाना किसी के सम्मान में. We bowed before our teachers. हम लोगों ने अपने शिक्षकों के समक्ष सिर झुकाया. Overtook. ओवरटेक, ओवरटेक से बना है. ओवरटेक का मतलब होता है किसी को छोड़कर आगे निकल जाता, निकल जाना, पहले उसकी बराबरी करना फिर उससे आगे निकल जाना, ही ओवरटेक कहलाता है. तो ए बाइकर ओवरटेक माय कार. एक बाइकर ने अर्थात बाइक पे सवार व्यक्ति ने मेरे कार से आगे निकल गया. नेक्स्ट है बीस्ट. बीस्ट जानवर होता है, ठीक है, या फिर दुष्ट होता है. ही इज रियली अ बीस्ट. वो वाकई दुष्ट है. डस्ट, डस्ट का मतलब धूल होता है, जानते हैं. देर वॉज लॉट ऑफ डस्ट ऑन माई बुक्स. मेरी किताबें पर बहुत सारे धूल पड़े थे. चलिए आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर करते हैं. देखिए सबसे पहला प्रश्न है, What did the grandfather say to his grandson about manners? आचरण के बारे में, manners के बारे में दादाजी ने अपने पोता को क्या कहे? My grandfather said that we should be sure to remember to speak everyone who we meet. मेरे दादाजी बताते हैं कि जिस किसी से हमारी मुलाकात होती है उससे बात करना न भूलें. Question second is, Who did they meet on the way? रास्ते में उन लोगों ने किनसे मुलाकात की? आंसर है, they met a stranger who was walking on foot, then a boy whom they knew. पहली मुलाकात एक अजनबी से होता है जो पैदल चल रहा होता है, और तब एक लड़का से जिसे वे लोग पहले से जानते थे. क्वेश्चन नंबर थर्ड हियर इज, What was there on the shoulder of the boy? लड़का के कंधा पर क्या था? There was a big pet crow on the shoulder of the boy. लड़का के कंधा पर एक पालतू कौवा था. क्वेश्चन फोर्थ है, और वो कौवा बड़ा था, ठीक है.
क्वेश्चन फोर्थ है, व्हाट वॉज द नेम ऑफ द बॉय, हाउ डू यू नो, उस लड़का का नाम क्या था और ये आपको कैसे पता चला? आंसर है विली वॉज द नेम ऑफ द बॉय, लड़का का नाम विली था, आई नो इट बाई रीडिंग द लाइन विली वी स्टिल्ड, इस पंक्ति को पढ़ करके, इस लाइन को पढ़ के हमें पता चला कि उस लड़का का नाम विली था, कि विली विस्टल, यानी विली ने चुचकार लगाया था कौवे को। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, व्हाई डिड द ग्रैंडफादर से इट वॉज अ फाइन बर्ड, दादाजी ने क्यों कहा कि यह एक अच्छा पक्षी है? आंसर है बिकॉज वेन विली विस्टल, क्योंकि जब विली ने चुचकारा एंड द क्रो आंसर्ड, और कौवे ने जवाब दिया। सो दिस वे माय डियर स्टूडेंट्स वी कंप्लीटेड द क्वेश्चन आंसर्स रिलेटेड टू चैप्टर 6 गुड मैनर्स। सो थैंक यू।